अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आज मेरी किचन में बन रही थी जी बिरयानी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जी इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स में मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेरे पास थी एक पूरी चिकन और उसके साथ मेरे पास थे जी एक किलो चावल आलमोस्ट चिकन भी वन के जी था और तीन से चार अदद प्याज और यहाँ पे था जी अदरक लहसुन का पेस्ट वन वन टेबल स्पून और साथ मेरे पास था नेशनल का बिरयानी मसाला और यहाँ पे मेरे पास थी तकरीबन सौ ग्राम योगर्ट तीन से चार अदद सब्ज मिर्चें और सात से आठ अदद मेरे पास यहाँ पे खुश्क आलू बारा और चार अदद में यहाँ मेरे पास थे टमाटर और यहाँ पे जी मेरे पास थे लीम धनिया और पुदीना और यहाँ पे साबुत मसाला जो मैं चावल बॉईल करते हुए इसमें यूज़ करूँगी और चलते हैं जी इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करने के लिए ऊपर रखा राइस के लिए और यहाँ पे कड़ी पत्ता और ज़ीरा और बड़ी इलायची दालचीनी ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ नमक दो टेबल स्पून और उसके साथ जाएगा जिसमें तीन से चार चम्मच आयल और इसे चावल जो वो है वो जुड़ते नहीं हैं ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं पानी को बॉईल करने के रख दूंगी और यहाँ पे जी मैंने डाले हैं जी तीन से चार अदर जो प्याज कटी हुई थी और उसमें जाएगा एक कप तकरीबन ऑयल और जब प्याज़ मेरे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैं इसमें डाल रही हूँ जी अपना चिकन और चिकन को अच्छे से फ़्राई कर रही हूँ और यहाँ पे तकरीबन जब हाफ़ फ्राई हो गया था तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे साथ साथ मैं चेक कर रही थी अपने राइस और ये चाह रहा है जी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट एक एक टेबल स्पून भर के और इसके साथ मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी चिकन को और साथ जो मेरे राइस थे वो तकरीबन मैं एटी परसेंट यहाँ पर बॉयल कर लूँगी ट्वेंटी परसेंट जो है राइस वो मेरे दम में रेडी हो जाएंगे और जल्दी से इसका वाटर जो है वो ड्रेन आउट कर रही हूँ और साथ रेडी हो रहे थी जी मेरी बिरयानी का मसाला उसमें चाह रहे हैं सब्ज़ मिर्चें और टमाटर कटे हुए तकरीबन चार अदद और उसके साथ जो मैं ऐड करती हूँ बिरयानी मसाला तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं योगर्ट और बिरयानी मसाले को मिक्स करके फिर ऐड करूँ और ये योगर्ट जो है वो उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं डाल रही हूँ जी इसको अपने पेस्ट को चिकन में और अच्छे से इसको कुक करूँगी तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट और हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा सारा इसमें जो टमाटर और अदरक दही का पानी था वो सारा अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी इसमें अपना खुश्क आलू बहारा और उसके बाद तकरीबन पंद्रह मिनट इसको मैंने मज़ीद कुक किया और यहाँ पे जी अब दम लगा रही हूँ एक लेयर राइस की और एक लेयर अपनी चिकन की और दम देते हुए मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ पुदीना और लेमन के पीसीस और साथ इसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा प्याज इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी अच्छी लगी तो चलते हैं आज की अपनी अच्छी बात की तरफ सेल्फ़ अवेयरनेस सेल्फ़ कंट्रोल कॉन्फिडेंस और सेल्फ प्योरीफिकेशन ये सब हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं अपने आप को खोजें अपना इंटरव्यू लें अपने आप को खोजने का प्रोसेस बहुत इम्पॉटेंट है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीक पॉइंट क्या हैं ये ख़ुद तलाश करें आपकी ज़ाती कमज़ोर मजबूत पहलू क्या हैं जो मजबूत पहलू हैं उन्हें मज़ीद पॉलिश करें और जो कमज़ोर पहलू हैं उन्हें बहुत अच्छा सा करने की कोशिश करें किस चीज़ को यस कहना है नो कहना है ये सीखें याद रखें जो इंसान अपने आप को फतह कर लेता है कोई दूसरा उसको फतह नहीं कर सकता और बिरयानी हो साथ कटलेस ना हो रायता ना हो तो बिरयानी अधूरी सी लगती है और यहाँ बेची मेरा डिनर रेडी हो गया था जिसमें मज़ेदार बिरयानी थी और कटलेस थी और साथ रायता था आई होप आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बिरयानी अच्छी लगती है चिकन की या मटन की और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अपना ढेर सारा याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जहाँ रहें खुश रहें अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों के साए में रखे आपको हमेशा खुश रखे और आप सबके दस्तरखान में बहुत सी वसूत दे लापाक हम सबको इसकी हलाल कमाने और खाने की तफीक दे आमीन अल्लाह हाफिज टेक केयर